दोस्तों, अगर आप लोग अपनी डिवाइस रजिस्टर कर चुके हो तो फिर आप आईडी सर्विस को कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि भले ही आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर कर लो, जब तक आप आईडी सर्विस को इंस्टॉल नहीं करोगे अपने सिस्टम में, तब तक कोई फायदा। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत। चलिए, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना है। देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं केवल मॉर्फो डिवाइस की, क्योंकि 80% लोगों के पास मोर्फो डिवाइस है, और जो कोजेंट या स्टार्टेक वगैरह है ये दूसरी, इनके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, तो आप प्लीज वेट कर लो थोड़ा, नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर नाउ पे, और फिर बाय आईडी सर्विस। यहाँ मैं आपको आईडी सर्विस खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको ये चेक करना है कि आपकी डिवाइस व्हाइट लिस्ट हुई है या नहीं, चाहे वो आपने कहीं से भी रजिस्टर की हो, कहीं से भी, जरूरी नहीं है आपने इसी साइट से रजिस्टर की है, चाहे आपने सीएससी से की हो या आपने कोई भी केवाईसी सर्विस दी हो, पेटीएम वगैरह, ये लोग अपनी डिवाइस से रजिस्टर करवाते हैं, रुपये लेते हैं, वो चीज़ अलग है। तो वहाँ से अगर की है तो यहाँ अपनी सीरियल नंबर डाली और नीचे लिख के आएगा योर डिवाइस इज व्हाइट लिस्टेड, नाउ यू कैन इंस्टॉल आईडी सर्विस। मतलब आपकी डिवाइस व्हाइट लिस्ट है, अब आप अपने सिस्टम में आईडी सर्विस इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। चलिए, वही व्हाइट लिस्ट है, देखिए डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहीं पे नीचे देखिए विंडोज लिखा है। अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहते हैं आईडी सर्विस तो एंड्रॉयड, वरना आप विंडोज पे क्लिक कर दो। चलिए, कर देते हैं इस पर क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक फाइल डाउनलोड होगी जो केवल 7 MB की है। इसको कर लेते हैं डाउनलोड और करते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू मॉर्फो कर दिया। चलिए, ये बीच में जो फाइल है इसको ओपन करना है, आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टिव वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फिंगरप्रिंट को कनेक्ट नहीं किए तो कर लो, क्योंकि अगर आप फिंगरप्रिंट कनेक्ट नहीं करोगे तो मे बी सम प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वरना वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। कर लो डिवाइस कनेक्ट यार, ठीक है, कर दीजिए अपना सिस्टम रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने अगर ये पॉप अप आ रहा है तो समझ लो आईडी सर्विस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, और फिर एक थोड़ा ये और आया अपडेट फ्रॉम सर्वर चेक सक्सेसफुली, ओके। अब आप अपने सिस्टम में आईडी सर्विस यूज कर सकते हो, आईडी सर्विस वर्क करने लगी, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो जो फाइल आपने भी डाउनलोड की थी वहीं पे एक चेक करने के लिए भी लिंक दिया गया है, ये इस पर क्लिक करके नीचे वाले को आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर इसमें शो हो जाए तो समझ लेना ओके काम है, और अगर नहीं शो हो रहा है तो फिर तो भाई दोबारा आपको इंस्टॉल करने में, देखिए यहाँ पे सारे डिटेल शो कर गई, आईडी सर्विस चालू है, यहाँ डिवाइस इन्फो में जब आप क्लिक करोगे तो आपका सीरियल नंबर शो कर जाएगा। देखिए नीचे सबसे लास्ट लाइन में लिखा है ये सीरियल नंबर, कर दीजिए ओके। मतलब कैप्चर पर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपकी डिवाइस में रेड लाइट जल जाएगी, और ये देखिए अगर आप जब फिंगर लगाएंगे तो ये कैप्चर भी कर लेगा, ओके। आईडी सर्विस इंस्टॉल हो गई है। अगर कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करना, जो मेरे ग्रुप की जो मैन पेज होता है ना वहाँ पे एक व्हाट्सएप की लिंक है, उससे आप कनेक्ट होकर मेरे ग्रुप से ऐड हो सकते हो। अगर कभी भी कोई आईडी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार मैसेज जरूर करना। थैंक यू।